लोकप्रिय मराठी पारिवारिक टीवी शो सह कुटुंब सह परिवार तब से चर्चा में है जब से एक्ट्रेस अन्नपूर्णा विट्ठल ने शो के कलाकारों और निर्माताओं पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। अब शो की एक और एक्ट्रेस स्वाति भदावे ने गोरेगांव थाने में प्रोडक्शन कंट्रोलर स्वप्निल लोखंडे यानी बंटी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। स्वाति ने सह कुटुंब सह परिवार के प्रोडक्शन कंट्रोलर के खिलाफ चौंकाने वाले आरोप लगाए और कहा कि उन्हें अपने करियर में ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। शो में काम करने के बारे में बात करते हुए स्वाति ने कहा, मैंने शो में नंदिता पाटकर के लिए बॉडी डबल का काम किया। मैं इंडस्ट्री में कई सालों से हूँ। नंदिता पाटकर किसी कारण से सेट पर लेट हो गई थी, इसलिए मुझे उनकी भूमिका निभानी पड़ी क्योंकि एक शॉट में केवल उनके बैक साइड की जरूरत थी। घटना के बारे में बताते हुए स्वाति ने कहा कि स्वप्निल लोखंडे ने मुझसे मेरा नंबर मांगा। बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं पुणे में काम करने को लेकर फ्लेक्सिबल हूँ या नहीं। मैंने कहा हाँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ और कहीं भी काम कर सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इसके बदले में उन्हें क्या दे सकती हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं काम के बदले में उन्हें कमीशन दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे कुछ और चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। इसके बदले में मुझे और काम दिलाने का वादा भी किया। स्वाति ने आगे कहा कि मैं कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मैंने क्राइम पेट्रोल में भी काम किया। हिंदी टीवी शो के साथ साथ मैंने फुलाला सुगंधा, मचीटा, जीजा माता आदि मराठी शोज में भी काम किया, लेकिन ऐसा कुछ कभी अनुभव नहीं किया। मैंने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की है और मुझे खुशी है कि पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है।